कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% टिकट की घोषणा के बाद मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उर्मिला उपाध्याय की अगुवाई में सैकड़ों महिलाएं कांग्रेस कमेटी में एकजुट हुई। महिलाओं ने सभी को अबीर गुलाल लगाकर मिष्ठान वितरित किया और खुशी का इजहार किया। उर्मिला उपाध्याय ने कहा कि नारी के शक्ति पर्व पर महिलाओं के सशक्तिकरण की नई क्रांति का ऐलान प्रियंका गांधी द्वारा किया गया है, जिसका पूरे प्रदेश की महिलाओं के साथ वह स्वागत अभिनंदन करती हैं। रेणु श्रीवास्तव ने कहा कि दुर्गा पूजा महोत्सव के पर्व पर प्रियंका गांधी द्वारा ली गई प्रतिज्ञा से प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास शुरू हुआ है। पुष्पा कहती हैं कि वर्तमान सरकार में महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं, महिलाओं पर अपराध की बाढ़ सी आ गई है। कंचन सिंह कहती हैं कि बेटी बचाओ का नारा भाजपा से बेटी बचाओ के रूप में चरितार्थ हो गया है। पूनम कोरी ने कहा कि प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद दलित पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में गजब का उत्साह है। किरण राणा कहती हैं कि तेजी से महिलाओं का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ा है। यदि प्रियंका गांधी के निर्देश पर जिले की किसी सीट पर महिला प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है तो जिले भर की महिलाएं महिला के सम्मान में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगी। प्रियंका जी की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने महिलाओं को आगे किया, महिलाओं को सम्मान दिया। और जो दलित समाज की औरतें थी, घर में बैठी थी, उपेक्षा की शिकार हुआ करती थी, आज उनको भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और जो भी कांग्रेस पार्टी किसी भी महिला को टिकट देगी, हम लोग उसको बढ़ चढ़ के उसका सम्मान करेंगे, उसको जिताएंगे, विधानसभा में हम लोग अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे। प्रियंका गांधी को बहुत बहुत बधाई हम देना चाहते हैं। ये महिलाओं की शक्ति को एक करने की कोशिश की है, जो दलित पिछड़ी दबी हुई महिलाएं हैं उनको साहस और शक्ति प्रदान करने को की है। जो भी महिला है उनको बहुत ज़्यादा आस है प्रियंका गांधी से। जो भी महिलाएं आएंगी विधानसभा में चुनाव लड़के, या जो चुनाव लड़ना आएंगी, हम लोग सारी महिलाएं मिलकर उनको जिताने की कोशिश करेंगे और विधानसभा में अपना 40% से ज़्यादा हम उनको लाने की कोशिश करेंगे। सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज